लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार प्रसार चरम पर है। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होना है। इसी को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को हरियाणा के दौरे पर थी। यहां अंबाला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उनकी तुलना दुर्योधन से कर डाली। प्रियंका ने कहा कि देश के अहंकार को कभी माफ नहीं किया। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब कृष्ण उन्हें समझाने गए तो उन्हें भी बंधक बना लिया गया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आगे प्रियंका ने कहा कि चुनाव के प्रचार में भाजपा के नेता कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने जो वादे किए थे वे पूरे किए या नहीं। कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं। उन्होंने मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि चुनाव किसी एक परिवार के बारे में नहीं है, ये उन सभी परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें और आशाएं इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह तोड़ दी हैं। आज देश के सामने किसान, युवा, रोजगार जैसी कई चुनौतियां हैं। 2014 में देश को कई उम्मीदें थीं लेकिन उन उम्मीदों पर सरकारें सफल नहीं हो पाईं। नोटबंदी की वजह से 5 लाख रोजगार खत्म हुए। बीजेपी की सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया। इनके शासन में 24 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। प्रधानमंत्री के पास किसानों की बात सुनने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं निकाला। आज किसान देश में प्रताड़ित हो रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.